नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। मैं हूं पिनाक त्यागी। आज हम आपको एक कुंड की पड़ताल पर ले चलेंगे जिस कुंड से जुड़ी हुई है आस्था। और ये आस्था कहती है कि उसे भीम ने अपनी गदा से बनाया था, जबकि आज के हालात कहते हैं कि उस कुंड में कई ऐसे राज अपने अंदर छिपे हुए हैं जो वक्त पर चौंकाते रहते हैं। तो आइए आज सबसे पहले रहस्य में इस भीम कुंड की पहेली की पड़ताल करते हैं। कहता है कि आज से 400 करोड़ साल पहले धरती के आकार लेने के बाद इसकी सतह पर धूमकेतु की बारिश होने लगी। हजारों लाखों किलोमीटर दूर से आने वाले उल्का पिंड सतह पर बेहद तेजी से टकराए होंगे। लाखों साल तक चले जिस सिलसिले ने धरती को पानी दिया होगा, पानी ने धरती को जीवन बख्शा होगा। माना जाता है कि धरती से टकराने वाले ऑब्जेक्ट अपने साथ पानी लाए होंगे, जिसने धरती को पानी से लबालब कर दिया होगा। जो पानी आज धरती का 70.9% हिस्सा है, जिस पानी का 97% हिस्सा खारा है, जिस पानी का 0.3% हिस्सा जीवों के लिए है, जो पानी इंसान के शरीर में 50-65% है, जो पानी सर्वत्र मौजूद है पर आज भी अजूबा है, उसी पानी की पहेली मिलती है महज 20 मीटर चौड़े एक कुंड में, जिस कुंड को लेकर कई दावे मिलते हैं। कहते हैं कि सुनामी के समय कुंड में 30 फीट पानी भर गया। जिस कुंड का पानी गंगा की तरह निर्मल है, जिस कुंड की गहराई कोई नाप नहीं सका है, जिस कुंड से कोई भी लाश बाहर नहीं आई है, तो आखिर उस अगम कुंड के जल का स्रोत क्या है? कुंड में 200 फीट नीचे जाने पर तेज भंवर क्यों आती है? कुंड का कुदरती आफत से नाता क्या है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन की टीम ने रुक किया मध्य प्रदेश के छतरपुर का, जहाँ के बाजना गांव में कई पहेलियों को समेटे भीम कुंड मिलता है। इस धरती पर कई राज ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाती। आज हम आपको एक ऐसे ही राज की पड़ताल के लिए लेकर चलेंगे छतरपुर, जहाँ एक ऐसा कुंड मिलता है जो आपदा की सटीक भविष्यवाणी करता है। तो वहीं इसमें डूबने वाले की लाश तक नहीं मिलती, क्योंकि ये कुंड कितना गहरा है ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। एक कुंड की पहेली की पड़ताल में टीम न्यूज नेशन ने जिस छतरपुर का रुख किया, उस धरती पर कभी पन्ना सरदारों का राज था, और 18वीं शताब्दी में जिस इलाके पर नए शासन की बुनियाद रखी गई थी, और ये बुनियाद रखी थी कुंवर सोन सिंह ने। यदि पांडव बचपन भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। कहते हैं कि उसी धरती पर महाभारत काल में 5 पांडवों के भी कदम पड़े थे। जब पांडव अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गए, जुए की शर्तों के मुताबिक इस हार के बाद पांडवों को वनवास पर निकलना पड़ा, जिनमें से 1 साल अज्ञातवास था, यानी उस अवधि में पहचान तक गुप्त रखनी थी। कथा कहती है कि इस शर्त से बंधे पांडव हस्तिनापुर छोड़ने को मजबूर हो गए, दर दर भटकने को मजबूर हो गए, और दावा किया जाता है कि उसी अवधि में पांडवों का कारवां मध्य प्रदेश के छतरपुर भी पहुंचा था। चारों ओर घने जंगलों से घिरा एक ऐसा इलाका जहां इंसान तो क्या, सूर्य की रोशनी भी धरती को छूने को तरसती है, और वही सघन वन पांडवों के अज्ञातवास का ठिकाना बना। भीमकुंड के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इसे भीम ने अपनी गदा से बनाया था, और इसके बाद पांडवों ने इस तरह की गुफाओं में कुछ वक्त बिताया भी था। ये कहा जाता है कि वो पांडवों के अज्ञातवास का वक्त था, लिहाजा इस दौरान उन्हें सबकी निगाहों से छिपकर रहना था,
और इसलिए ये जगह बेहद मुफीद थी। ये जमीन से नीचे थी, घने जंगलों के बीच थी और यहाँ पीने के पानी का माकूल इंतजाम भी कर दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इन गुफाओं में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक लंबा अरसा गुजारा था। आज भी अगर हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह आम आदमी तक के रहने का इंतजाम है, लिहाजा इस कहानी में इसीलिए बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग जोर देते हैं कि यहाँ इंसानी बसाहट के लिए तमाम अनुकूल चीज़ें हैं और ज़रूर पांडवों ने यहाँ कुछ वक्त गुजारा है।